दोस्तों किसी भी व्यक्ति के लिए अगर कोई लक्ष्य निर्धारित करता है व्यक्ति और उस लक्ष्य के लिए अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है और संघर्ष करने के बाद जब उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है तो उस व्यक्ति की खुशी देखने के काबिल होती है। तो ऐसे में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूं गुना आरोन सिरोंज और गंज वासौदा की रेलवे लाइन को लेकर। जी हां दोस्तों, इस रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर क्षेत्र के कई समाज सेवी जो है बरसों से इस रेलवे प्रोजेक्ट के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्र की जनता को रेलवे की सौगात मिल जाए। तो ऐसे में दोस्तों आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जब एक ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश में नई रेल लाइनों की सौगात मिलने वाली है, तो इस क्षेत्र के जो समाज सेवी थे जो संघर्ष कर रहे थे पिछले कई वर्षों से, उन लोगों के मन में भी एक उम्मीद की नई किरण जागी है। उन्हें भी लगता है कि कहीं ना कहीं अब हमारा सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि एक उम्र का जो बहुत लंबा पड़ाव जो है ये लोग निकाल चुके हैं, उसके बाद अब एक बार फिर से उनके मन में ये उम्मीद की किरण आई है कि उनका सपना पूरा होगा और रेलवे की जो है मंजूरी मिलकर जो है इस क्षेत्र में भी रेल लाइन डाली जाएगी। तो उनमें से ही दोस्तों एक व्यक्ति हैं डॉक्टर गोयल, जो कि आरोन के ही हैं और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर तथा उनके सभी साथियों ने, साथ ही उन जो आरोन नगर के अन्य समाज से भी हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट के लिए काफी संघर्ष किया है। तो ऐसे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर गोयल से, तो उनसे बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, उनका क्या कहना है, क्या उनकी सोच है। हालांकि इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब मैं उनका इंटरव्यू लेने पहुंचा था, इंटरव्यू तो मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूं, बस ये जो स्टार्टिंग जो इंट्रो मैं अभी शूट कर रहा हूं इंटरव्यू लेने के बाद, तो जब मैं दोस्तों वहां पर इंटरव्यू लेने गया डॉक्टर गोयल साहब के पास, तो वहां पर मैंने देखता हूं कि जैसे ही मैं पहुंचता हूं तो उन्हें जब मैं बताता हूं कि डॉक्टर साहब मैंने ही आपको कॉल करके बताया था कि मुख्यमंत्री ने आज रेलवे को लेकर एक ट्वीट किया है, तो उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो देखने के काबिल थी, उनकी आंखों में आंसू थे और एक तरह से इतने भावुक हो चुके थे वे कि मैं बता नहीं सकता। कहीं दौड़कर मिठाई लेने जाते हैं तो कहीं दौड़कर पिछले सालों की जो पुरानी यादें थी उनको निकाल निकाल कर मेरे आगे परोसते हैं और बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर संघर्ष किया है, संघर्ष कर रहे हैं और जब तक प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता तब तक वो संघर्ष करते रहेंगे, पूरा जीवन उनका जो है इस चीज में निकल चुका है। तो ऐसे में दोस्तों आइए देखते हैं उनका एक इंटरव्यू छोटा सा कि किस तरह से जो है रेलवे प्रोजेक्ट की उन्होंने खुशी जाहिर की और किस तरह से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, तो चलिए देख लेते हैं ये इंटरव्यू। तो चलिए दोस्तों आज का जो मुद्दा है, दोस्तों आज का मुद्दा है आरोन से लेकर गुना वासौदा और सिरोंज का जो रेल लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा था उसको लेकर एक बहुत ही बड़ा और नया अपडेट आया है। तो आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद ट्वीट करके ये कहा है कि मध्य प्रदेश को नई रेल लाइन की जो है सौगात मिलने वाली है और उन्होंने हाल ही में विगत दिनों में जो है भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से जो है मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद उन्होंने आज ट्वीट किया। तो उस ट्वीट को लेकर चूंकि आरोन में जो रेल लाइन को लेकर संघर्षरत लोग रहे हैं उनमें से एक है हमारे डॉक्टर गोयल साहब आरोन के निवासी, तो आज हम उनसे इस विषय में चर्चा करने के लिए आए हैं, क्योंकि जो आज ट्वीट किया है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वो रेल के प्रोजेक्ट से संबंधित है। तो ऐसे में क्षेत्र के जो रहवासी या क्षेत्र के जो भी लोग हैं उनके मन में एक नई उम्मीद जग गई है कि कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोजेक्ट है रेल लाइन का, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमें भी शामिल किया जाएगा और हमें भी जो है रेल लाइन देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर गोयल साहब से, क्योंकि ये कई वर्षों से पिछले 35 ईयर से, तो 35 साल से जो है डॉक्टर साहब इसको लेकर संघर्षरत हैं। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर साहब, आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जो है ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश को नई रेल लाइन मिलने वाली है, हालांकि उन्होंने ऐसा क्लियर भी नहीं कहा है कि कौन कौन से स्थान है, जो उन्होंने वीडियो भी जारी किया है उसमें वीडियो में बताया, हालांकि उज्जैन को लेकर, तो उज्जैन उनका लोकल एरिया है तो उसको हम नहीं लेंगे, लेकिन जब मध्य प्रदेश को नई रेल लाइन देने की बात आती है तो आपको क्या लगता है कि हमारे क्षेत्र में जो बरसों से संघर्ष रहा है वो कहीं ना कहीं सफल होने जा रहा है? मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने हमारे क्षेत्र की बहुत पुरानी बहुप्रतीक्षित रेल लाइन गुना आरोन सिरोंज वासौदा विदिशा और उसके साथ में महानीम चौराहा और वहाँ से हो सकती है मतलब, तो ये बेगर इसका ओरिजिन मैं आपको बताता हूँ। जब मैं शुरू में ग्वालियर पढ़ता था तो उस समय माधवराव जी सिंधिया जी
यशस्वी मंत्री रहे, रेल मंत्री जी भी रहे, तो उनसे मेरी कभी कई बार उनसे मेरी मुलाकात भी हुई है। तो उन्होंने ये कहा था, उनका ये उनका प्रोजेक्ट है, और आज उनके जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिराज सिंधिया जी हैं, वो भी बहुत प्रयासशील हैं, और जब भी मैं कभी जाता हूँ तो मुझे विशेष स्नेह देते हैं, और वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बहुत पुण्य का काम है और आप करिए। और मेरा इससे सिर्फ यही है कि गुना आरोन सिरोन बासोदा विदिशा रेल लाइन होने पर इस क्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट विकास, गरीबों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए, बेरोजगारी के लिए एक ऐसा वरदान मिलेगा कि जो हमेशा 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 के लिए अमर रहेगा। और दूसरी बात यह है, इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर जो है अभी प्रोग्रेस के नाम पर जो गरीबों को जो होना चाहिए वो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जब तक आवागमन की सुविधा में रेल ना हो, सड़क ना हो, बिजली ना हो और पानी ना हो तो ये असंभव रहते हैं। तो उसके लिए मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को विशेष विशेष धन्यवाद देता हूँ, और मैं ये आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी शीघ्र हो जाए। और ये पार्टी वाली बात किसी नहीं है, जनहित की बात है, और मैं पहले भी मतलब नेकी की दीवार से जुड़ा हूँ, सोशल वर्क करता हूँ और भी कार्य करता हूँ, जैन मिलन का भी अध्यक्ष रहा हूँ। मतलब मेरा सिर्फ ये है कि प्रोग्रेस के लिए रेल अति आवश्यक इसलिए है कि आवागमन में जब तक रेल नहीं होती तब तक ना गेल हो पाता और ना फिर डल पाता। रेल के साधन इतने तीव्र होते हैं कि हर चीज में उसमें काम होता है। डॉक्टर साहब, क्षेत्र में चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो चाहे पढ़े लिखे व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं अगर ये रेलवे प्रोजेक्ट यहाँ से गुजरता है क्षेत्र से होकर तो कहीं ना कहीं चाहे कोई भी हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, उन व्यक्तियों को जो रोजगार मिलने की संभावना है उन्हें कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएंगी। तो आपको क्या लगता है कितने संख्या में यहाँ पर रोजगार यहाँ पर ये बेरोजगारी में असीमित संभावनाएं और सब आदमी को मिलेगा। रेलवे का भी एक प्रोजेक्ट होता है कि जिस किसी की जमीन वगैरह जाती है तो उनको सर्विस भी मिलती है, और सबसे बड़ी फैक्ट्री डलेंगी, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, और सभी कोई भी व्यक्ति इस रेल से अछूता नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं चूंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ तो जब कभी पेशेंट कभी बीमार होता है तो उसको जीप के लिए 5,000 रुपये में जाना पड़ती है, तो 100 रुपये में जाएगा, 100 किलोमीटर की दूरी कम है, और तीसरी बात हम पूरे दुनिया से जुड़ जाएंगे, समय की बचत होगी, जान माल हाँ। की भी जो है फायदा और हुआ, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये कि रेल एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो दुनिया, आज मैं भी जो डॉक्टर बना हूँ केवल रेल की वजह से, चूंकि मैं गांव का था साढ़ोरा का, और रेल से हम लोग आते थे और चले जाते थे। तो डॉक्टर साहब, अभी हालांकि जो मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है उसमें ये स्पष्ट क्षेत्र को लेकर स्पष्ट नहीं किया, तो आपकी क्या राय, आपने किसी संबंधित अधिकारी से या फिर आप संबंधित अधिकारी से संपर्क करेंगे इसको स्पष्टीकरण? हाँ, मैं संपर्क विगत 40 साल से करता रहता हूँ, सबकी लेटर भेजता हूँ, और आपके जो जबलपुर में जो रेलवे का वो है उसमें मैं जुड़ा हूँ, और मेरा तो साफ सिर्फ एक ही काम है कि रेल जिस दिन हो जाती है तो मेरा ये जीवन सफल होगा, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय श्री ज्योतिराज सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री जी और उनके पूरे परिवार के लोग, और वो विकास की बात करते हैं और विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रेलवे लाइन है। और मैं एक बात और भी आपसे करूँगा कि जब कोई मुझसे कभी भगवान मेरे पास आए प्रभु, तो आदमी को सबसे ज़्यादा होती है मोक्ष की ज़रूरत। तो जिस दिन अगर प्रभु आएंगे, भगवान राम या कोई आए, और वो मुझसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब तुम क्या चाहते हो, तो मैं कहूँगा हे प्रभु, हे श्री राम, मुझे मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए और सभी लोगों के लिए रेल का ये प्रोजेक्ट शुरू करवा दें और रेल चलवा दें, मेरा जीवन
मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मुझे मोक्ष की जरूरत नहीं है, केवल रेल चलवा, वो भी जनता के और जनहित के लिए और विकास के लिए। तो विकास का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो केवल रेल का है और इसे सबका, और उसके लिए मैं फिर पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और वो इसके लिए विशेष जल्दी से जल्दी काम करें, क्योंकि अब रेल के लिए और कोई वो नहीं है, मतलब होने ही वाला है। और आप जब मिले हैं तो वैष्णव जी भी के लिए, रेल मंत्री जी को मैं लेटर लिख जाता हूँ, और सभी को मोदी जी साहब को भी लिखता हूँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, वैष्णव जी को भी लिखता हूँ, रेलवे बोर्ड को भी लिखता हूँ। अभी कुछ साल पहले, एक दो साल पहले भी आपने जो है पोस्ट कार्ड और ईमेल वगैरह करवाए थे? करवाए साहब, पूरे मेरे पास सब प्रोजेक्ट है। और अभी मैं एक थोड़ा निवेदन और करूँगा, अभी जो है मैंने एक अभी व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज डाला है, आप उसको दें अभी, तो उसमें मैंने एक लिखा है, मतलब रेल के लिए, महाराज जी के लिए, महाराज जी सब बोल दिया, और वो बुध कुशवाहा आप, मैं आपको देता हूँ, इसमें डाल देना। ठीक, अभी डालो आप। तो ये थे आरोन के निवासी डॉक्टर गोयल साहब। तो इन्होंने काफी पिछले वर्षों से जो है काफी संघर्ष किया है इस रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर। तो आज जो है जो ट्वीट आया है उससे कहीं ना कहीं क्षेत्र के वासियों को जो है उम्मीद काफी जग गई है, और हमारी भी यही कामना है कि जल्द से जल्द जो ये प्रोजेक्ट है ये पूरा हो जाए और सभी लोग इस रेलवे का लाभ ले। जिस तरह से मंदिर बना है, प्रोग्रेस के कार्य हो रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, जैसे जिस तरह से राम मंदिर बना है, जिस तरह से और काम, ये जनता के हित की बात है, और मेरा जीवन भी इसमें एक, मैं अपने आप को सफल मानूंगा, और मैं पुनः जो है सभी के लिए, पूरे देश के लिए, सर्वोच्च विकास के लिए, जन विकास के लिए, मैं पुनः चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करता हूँ पूरे सभी लोगों से। और इसमें एक बात और क्लियर बोल रहा हूँ, मुझे इसमें कोई पार्टी से मतलब नहीं, जनहित की बात है, विकास की बात है, इसलिए, और ये अति शीघ्र होना चाहिए। तो बिल्कुल, यहाँ पर आप डॉक्टर साहब और इनके सभी सहयोगी जो है काफी वर्षों से एक तरह से तपस्या कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जो है बहुत जल्द पूरा होगा। तो आप देख रहे थे टेक लाइव के आरोन से, बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के लिए सभी लोग प्रयास करें, सभी लोग इसको जो है वीडियो को भी शेयर करें, ताकि ये जो मुद्दा है ये भी प्रकाशित हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। ये था डॉक्टर गोयल साहब का इंटरव्यू। तो ऐसे में दोस्तों पूरा क्षेत्र की जो जनता है उनके लिए भी उम्मीद की किरण जागी। हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा इस क्षेत्र को लेकर स्पष्ट अभी तक भी नहीं किया है, हालांकि एक दो दिन बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दौरा है गुना नगर में। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जो भी मीडिया कर्मी है वो उनसे ये सवाल जरूर करेंगे कि क्या आरोन, गुना और सिरोंजगंज वासौदा को रेलवे लाइन का जो प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी मिली है या नहीं, और ये काम चालू कब से हो जाएगा। तो ये तो देखने की आने वाले समय में पता चल ही जाएगा कि क्या इसका स्टेटस है और जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।